Hello everyone. Hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for subscribing my channel and commenting on my videos. Thank you once again. तो मुझे एक affirmation को लेकर भी एक सवाल आया है, वो नेहा कुमारी की तरफ से ही है. नेहा, actually ये video chat होने वाला है लग रहा मुझे. तो उनके तरफ से है कि क्या affirmation को हमको एक ही affirmation को बार बार लिखना है, और अगर रोज लिखते हैं और कभी भूल जाए तो क्या हो. अच्छा, एफर्मेशन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एफर्मेशन क्या होता है. एफर्मेशन मतलब एक सेंटेंस, एक थॉट, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, है ना, जो आप लिखते हो. तो ये क्या है? ये एफर्मेशंस है. तो एफर्मेशंस का मतलब आप एक सेंटेंस बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है. तो जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या करता है, फिर एविडेंसेस शो करने लगता है. मतलब वो चीजें आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस में आने लगती हैं. अब लिखना क्यों जरूरी है? लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो पेन और पेपर लेकर, और जब आप लिखते हो तो एक्चुअली में आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा फोकस्ड होता है कि जो भी आप लिख रहे हो वो डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब करता है उस चीज को. और जब आप लिखते हो तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में ये होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रेजिस्ट करेगा. अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका रेजिस्ट कर रहा है तो दैट्स अ गुड साइन. ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है. क्यों? क्योंकि वो आपको कह रहा है कि ये चीज मेरे ऊपर आप डाल रहे हो, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा हूं. ठीक है, लेकिन आप जब इसको रेगुलरली लिखते हो और कंटिन्यूसली आप लिखते चले जाते हो तो वो चीज एक्सेप्टेब, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है. और जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेता है तो जैसे मैंने कहा, वो एक्सपीरियंस में आ जाता है आपके, वो मैनिफेस्ट हो जाता है. तो इसीलिए लिखना जरूरी है. अब जैसे आपका जो एक डाउट है कि क्या एक ही चीज को बार बार लिखना है और कितनी बार लिखना है, तो कितनी बार लिखना है वो आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक बार लिखना है, आपको दो बार लिखना है, आपको सुबह लिखना है, आपको रात में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है. ये टेक्निक के चक्कर में मत पड़ो. जब आपका मन करे, जब आपको टाइम मिले, जब आपको लगे कि नहीं मुझे लिखना है, मुझे कभी कोई ख्याल आपको आ रहा है कि नहीं आपको लिखना चाहिए, तो गो अहेड. वो इम्पल्स आपको फॉलो करने हैं, आप लिखते चलो. मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद कह रहा है कि वो चीज आप लिखिए, मुझे एक्सेप्ट करने दीजिए उस चीज को, ताकि मैं आपके लिए वो चीज को मैनिफेस्ट कर सकूं. तो जब भी आपका ऐसा हो तो आप कितनी बार भी लिख सकते हो, दो बार लिख सकते हो दिन भर में, नौ बार लिख सकते हो आप दिन भर में, कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, दूसरी बात ये कि क्या उसी एफर्मेशंस को बार बार लिखना है, वो याद नहीं रहता है. ऑब्वियस सी बात है, वो याद नहीं रहेगा. जब आपका मन जो करना है, जैसे कि आपको कोई चीज आप डिजायर के लिए कर रहे हो, एक फॉर एन एग्जांपल, तो आप हेल्थ के डिजायर के लिए कर रहे हो, या आप मनी के डिजायर के लिए कर रहे हो, या आप एक एफर्मेशन कर रहे हो जिसमें आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाह रहे हो, या आप मनी का फ्लो बढ़ाना चाह रहे हो, या आप हेल्दी होना चाह रहे हो, आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? आई एम प्रेग्नेंट. ऑब्वियसली उतना तो आपको याद रहेगा कि आपका डिजायर क्या है. रही बात दूसरे, जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम पॉइज, आई एम गुड, आई एम दिस, आई एम दैट, जो भी आपका आई एम से स्टार्ट हो रहा है, जो एफर्मेशंस हैं, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लिविंग अ हैप्पी एंड एफर्टलेस लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, तो आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, कितना भी लंबा आप लिख सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है. जब तक कि आपको वो खुशी दे रहा है तब तक के आप लिख सकते हो. और जरूरी नहीं है कि जो पिछला लिखा है वो आज भी लिखो. जब जब जो जो चीजें याद आते चले आप उसको एड ऑन कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है. एफर्मेशंस आप जो चाहे वैसे लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए. और ऐसा ना सोचिए कि आप कोई टेक्निक कर रहे हो, आप उसको एक रूटीन के तौर पे मत लीजिए, आप बस एक एंजॉयमेंट, एक फन के तौर पे लीजिए. क्योंकि आपका मेन फोकस जो है आपके वाइब्रेशंस को हाई करना होता है. जब आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं, आप अपने इनर बींग से कनेक्टेड हो जाते हो, कॉन्टैक्ट में आते हो, तो क्या होता है, मिराकल्स होने लगते हैं. जो भी टेक्निक है, क्योंकि हर बार आप टेक्निक में जाओगे ना तो आप हमेशा कहीं ना कहीं डाउट्स क्रिएट होंगे आपके दिमाग में, तो आपको डाउट्स नहीं रखने, आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है. अगर आपने सपोज कल आई एम हेल्दी लिखा और आज आप भूल गए कि आई एम हेल्दी लिखना,
इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने लिया नहीं है। आप जब एक बार भी लिखते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। आपका माइंड इतना पावरफुल होता है, लेकिन आप रेजिस्ट करोगे, आप फोर्सफुली एफर्ट डाल के कोई चीज लिखोगे ना, तो आपका माइंड रेजिस्ट करता है उस चीज को। माइंड का काम ही है, वो लॉ है माइंड का। जितना आप इजी और एफर्टलेस होके चीजों को करोगे, उतना आसानी से चीजें आपके सामने आएंगी। और जितना आप उसमें एफर्ट्स डालोगे, जितना आप यू नो कॉम्प्लिकेट करोगे चीजों को, तो उतनी चीजें आपकी कॉम्प्लिकेट होंगी, उतने मैनिफेस्टेशंस डिले होंगे। ठीक है, आई होप आई गेव यू दैट आंसर टू। सो विद दिस नोट आई विल टेक अ साइन ऑफ। थैंक यू सो मच नेहा, कॉमेंट करते रहिए, मुझे इरिटेट नहीं होता है। चलो बाय बाय, टेक केयर।